देखिए। अच्छा, तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ जी सूरत में, जहाँ पे मिलता है एक बहुत ही टेस्टी सा भजिया। और ये भैया बनाते हैं, भैया कौन सा वाला बना रहे हैं आज? धनिया भजिया। क्या क्या डालते हैं इसमें? सबसे पहले क्या डाला? सबसे पहले पाला डाला। हाँ, ये क्या है? धनिया। धनिया, अच्छा। और मिर्ची डाले। मिर्ची, हाँ नीला। अच्छा, तो तीन चार चीजें मिक्स करके बनता है? नीला, लहसुन। अच्छा, तो गुजराती लोग बहुत पसंद करते हैं कि ये वाला भजिया? हाँ, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फेवरेट है उनका? फेवरेट है। अच्छा अच्छा, वैसे मतलब बेसन डाला? बेसन अलग से बनता है, इसके अंदर ही डाल देते हैं अपन? बेसन तो हमारा अलग से बनता है, उसके बाद डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, दाना वगैरह डाल दिया उसके बाद? अच्छा, इसको मिक्स करेंगे? इसको मिक्स करेंगे अच्छा से। वैसे कितने साल से कर रहे हैं ये काम आप? 8 साल। 8 साल से। और मैंने सुना है कि ये जो तलने का तरीका है वो एकदम अनोखा है आपका, कंची वंची नहीं लगती, आपके हाथ ही काफी है? कुछ नहीं होता, डायरेक्ट हाथ से ही? सही बात है ये। चलिए दिखाएंगे अभी। ये हो गया मसाला रेडी। तो बहुत लोग जी इनको आयरन मैन ऑफ सूरत भी कहते हैं, क्योंकि इनको तेल से हाथ नहीं जलता। देखना अभी डायरेक्टली अपना हाथ गर्मा गर्म तेल में डाल देते और कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया ऐसा हाथ में तकलीफ नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं होता है। क्यों, ऐसा कैसे? ऐसे ज्यादा टाइम से करता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में तो होता होगा ना दर्द? शुरू में अभी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या बात है। तो मतलब ये कहीं प्रैक्टिस किया आपने कि मतलब ऐसे ही अपने आप? ऐसे। अरे वाह, तो कितने साल से कर रहे हैं काम आप? 8 साल से। 8 साल से। तो आप सूरत से ही हैं कि कहीं बाहर से? बिहार से। बिहार से हैं। तो सूरत में कैसे मजा आ रहा है? कैसे सूरत के लोग कैसे? बढ़िया। तो इसका क्या प्राइस कह रहे थे, कितने रुपए का बेचते हैं? कितने का? 360 रुपए किलो। और सबसे छोटी क्वांटिटी में कितने का आता है? 50 का। तो ये देखो कैसे करते हैं। मैं आपको एक और एक चीज दिखाओगे? दिखाइए। देखिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लोग कमेंट में दिखाइए बोलते हैं। जैसे कि देखिए हाथ में कुछ नहीं है, एकदम सूखा पड़ा है। हाँ। चाहिए तो देखो कुछ भी नहीं है, अब मैं इसमें डाल सकता हूँ? कुछ है नहीं। हाँ। देखिए। अच्छा, तैयार है अभी? अच्छा, ऐसे डायरेक्टली उड़ता हुआ पकड़ लेते हो? तो कभी इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का नहीं सोचा आपने? हाँ भैया। हाँ भाई। इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का नहीं सोचा कभी? सोचा नहीं, आप बुला ले चला जाऊँ। क्या पता ये वीडियो देख के बुला ले। तो ऐसे मतलब क्या चेक करते हैं कि पका है कि नहीं? हाँ, अच्छा रहेगा या पक्का रहेगा समझ में आ जाता है। रेडी है? बस रेडी हो गए। एक बार आपकी दुकान का नाम बता दो ना। दुकान का नाम है बाबा सीताराम कुमड़िया भजिया। अच्छा, और कहाँ पड़ता है ये दुकान? ये डबोली जी। रेडी। तो मेरे को एक बार आपका टाइमिंग बता दो। टाइमिंग हम लोग 3 बजे से रात को 1 बजे तक। अच्छा, तो यार हमने तो यहाँ पे आके ले लिया हमारे लिए जी भजिया। तो आप भी कभी आ रहे हैं जी सूरत में, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि भजिया वगैरह यहीं पे आके लेना। हमने भी ले लिया जी हमारे लिए। अगर वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू भैया।